नमस्कार, मैं हिमांशु आप सभी के समक्ष इलाहाबाद कथा कथन में एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि वो सब कुछ पाने की चाहत है मुझे और मेरे पास सब कुछ है ये बताने का हौसला भी है और ये किताबों के पन्नों से नहीं जिंदगी को देख कर और जिंदगी को जी कर आया है और बस उम्मीद में जिंदगी जी रहे हैं। यार ये जो जिंदगी है ना बड़ी कमाल की है, कुछ थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी नमकीन है कि हर सिचुएशन पर हमें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना सिखलाती है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अरे कभी कभी होता है, मगर कहते हैं ना कि बिट लिटिल, थोड़ा सा महफूज सा मगर थोड़ी सी उलझनों से भरपूर, यही कुछ होता है हर जगह, चाहे हम घर में हों या स्कूल में या कॉलेज में या फिर कहीं दूर, न घर में न स्कूल में और ना ही कॉलेज में, समझ गए ना। कॉलेज टाइम की डायरी आज मिली, उस पर ना जाने क्या क्या था। कभी पहली लड़की से मोहब्बत की दास्तां थी और कभी कभी अनबियरेबल सिचुएशंस के रोने धोने थे, और थोड़ा आगे बढ़ा तो कहीं पर वो बहनों का प्यार और मम्मी पापा का दुलार और वो जिंदगी जीने की उम्मीद भी थी। उन कई पन्नों के बीच दुनियादारी के वो तमाम किस्से छुपे थे जो हमने कॉलेज लाइफ के टाइम पर बिताए थे। उन्हीं पर कई फासले थे हमारे और तुम्हारे, मतलब हम दोनों के बीच, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने सब की तरह वो सारे प्रॉमिसेस भी कर रखे थे जो अमूमन उस सारे नौसिखिए आशिक करते हैं। अरे हाँ हाँ, जीने के, शादी के बाद के और तो और बुढ़ापे के, आज कितना मजाकिया लगता है ना। और ये सारी बातें डायरी बतला रही थी कि वो दोस्त की बाइक मांग कर तुम्हें तुम्हारे घर की पिछली वाली गली से रिसीव करने से लेकर वो रेल घाट पर तुम्हारे हाथों से तुम्हारा टिफिन खाना और तुम्हारे साथ हंसी मजाक के साथ वो तुम्हें मनाते हुए कई दफे रोना भी। पता नहीं था जिंदगी ये किस तरह से अपना असर दिखाएगी, पर असर तो अब दिख रहा है ना बॉडी पर। हाँ, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और आज सबसे ज्यादा मैं मिस तुम्हें नहीं, तुम्हारे उन फोन कॉल्स का कर रहा हूँ जो वजह बेवजह किसी भी समय आया करते थे। टुडे आई एम वेरी सैड। उसका कारण ये नहीं है कि तुम मेरे साथ नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि तुम हो या मेरे सारे दोस्त, उनके साथ सारी लाइफ की प्लानिंग सब छूट गई, जिंदगी के साथ पीछे बस उम्मीदों तक सिमट के रह गई। शायद पेशेंस की कमी हम सब में थी, हम सब का मतलब तुम, मैं और वो सारे कमीने दोस्त जो हर समय साथ खड़े रहते थे, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर सिविल लाइंस तक के कई मोड़ पर तो झगड़े भी हुए थे तुम सबसे, यानी तुम, मैं और वो सारे कमीने दोस्त। हाँ, मैं थोड़ा झल्ला था, आज भी हूँ, बशर्ते आज कोई समझता नहीं, न समझने के लिए तुम हो न वो कमीने दोस्त और न मैं खुद। आज मुझे, मेरे लिए मेरे पास समय नहीं, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बाय द वे, डायरी बहुत कुछ कह गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक रोड पर सारे सीनियर रोज शाम में लल्ला चुंगी के पास कहते थे, मतलब अपनी गलतियों और अपने एक्सपीरियंस को बतलाते थे। शायद कोई ईगो ही रहा होगा कि उनके साथ रहकर भी सीखे बहुत पर उसे कभी यूज़ नहीं कर पाए। आज शिकायतें बहुत हैं खुद से, मगर फिर भी वो सब पाने की चाहत है और मेरे पास सब कुछ है ये बताने का हौसला है। इसी उम्मीद पर जिंदगी चल रही है कि फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, हकीकत में न सही, यादों की उम्मीद। थैंक यू सो मच।